हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस कीवी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर एक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कीवी का बैक पार्ट बनाना बताऊंगी कि इसके बैक पार्ट में हमें कितने फंदे लेने हैं, बॉर्डर कैसे बुनना है, डिजाइन कैसे बनाना है। अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें और इस प्यारी सी स्कीवी को आसानी से बना लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसका बैक पार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कीवी को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 4-ply सिंगल धागे वाली नीट प्लस ऊन ली है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो 4-ply सिंगल धागे वाली ये नीट प्लस वूल है और इसमें मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज की है, क्योंकि ये 4-ply में थोड़ी पतली ऊन होती है तो इसमें हमारी 10 नंबर की सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर इस कीवी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 116 फंदे, क्योंकि ये जो डिजाइन मैंने बनाया है, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, तब हमारा ये डिजाइन एडजस्ट होता है। ये जो हमारा कीवी का साइज है, ये लार्ज और एक्सल दोनों को आराम से आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी जो हमारी चौड़ाई आई है वो मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए 17.5 इंच है और फिर डिजाइन ऐसा है, ये खुलने वाला है तो पहनने पर ये और भी खुलेगा, तो लार्ज और एक्सल दोनों को आ जाएगा। और अगर आप डबल एक्सल साइज के लिए बना रहे हो तो इसमें एक डिजाइन हमारा एक्स्ट्रा और आ जाएगा, यानी 7 फंदे इसमें आप एक्स्ट्रा और डाल लीजिए तो डबल एक्सल को आ जाएगा। मीडियम के लिए बना रहे हो तो आप इसमें कुछ फंदे कम कर लीजिएगा। तो 116 फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर डाले हैं। फंदे आप नॉर्मल या डिजाइनर जैसे चाहो वैसे डाल लीजिएगा फंदे, लेकिन हल्के लूज हाथ के डालिए ताकि ये जो किनारी है ये आपकी बिल्कुल सीधी सीधी बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने यहाँ पर 18 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 18 सिलाइयों में हमारा ये 9 लाइनों का बॉर्डर आ गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 2 सिलाइयों में हमारी 1 लाइन बनती है। बाकी बॉर्डर की जो ये चौड़ाई है ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने नॉर्मल रखी है, ना कम ना ज़्यादा, 18 सिलाइयाँ। उसके बाद इसमें हमने सीधी साइड से अपने डिजाइन को शुरू किया है। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और मात्र 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूँ कि ये कैसे बनाया है। यहाँ पर हैं 116 फंदे और इस डिजाइन को मैं आपको ओनली 25 फंदों में बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए 25 फंदे, 7 फंदे, 7 फंदे, 7 फंदे और फिर 4 फंदे एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी हमारा सेम है, 7 फंदे, 7 फंदे ऐसे काउंट कीजिए, लास्ट में आपके 4 फंदे, ये ऐसे आपका डिजाइन एडजस्ट होगा। तो 25 फंदे हैं। यहाँ पर मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई है। पहले आप अपना बॉर्डर कंप्लीट कीजिए, बॉर्डर के बाद जो डिजाइन मैं आपको यहाँ से बनाना बता रही हूँ सेम आपका आपके प्रोजेक्ट पर शुरू हो जाएगा। तो पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद एक और ये 2 फंदे आप उल्टे बनाइए, पहली सिलाई है डिजाइन की, धागा पीछे कीजिए और 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब एज स्टिच के बाद 2 उल्टे और 5 सीधे, यही डिजाइन आप बार बार रिपीट करते जाइएगा। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 सीधे। फिर से डिजाइन को बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे ही बार बार डिजाइन को बनाते जाइए, लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। जो हमने 4 एक्स्ट्रा लिए थे वो एक एज स्टिच हमारा यहाँ पर आ गया और एक ये लास्ट का और 2 फंदे डिजाइन को इक्वल करने के लिए। तो ये लास्ट के 3 फंदे हैं, इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से। इस प्रोजेक्ट पर मैंने उल्टी साइड की सारी सिलाइयों को उल्टा बुना है। इस डिजाइन को हम 2 तरीके से बुन सकते हैं। ये जो उल्टे फंदे हैं
सीधी साइड पर, इनको हम उल्टी तरफ से सीधा भी बुन सकते हैं, लेकिन इस कीवी में मैंने सारे फंदे उल्टी साइड से उल्टे ही रखे हैं। तो उल्टी साइड से पूरी सिलाई को धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुनकर इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। डिजाइन बनने के बाद इसकी लुक बहुत सुंदर आती है और बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिजाइन को न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं, इसीलिए मैंने इस कीवी में इस डिजाइन को लिया है ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं वो भी इस कीवी को इस डिजाइन के अनुसार आसानी से बना सकें। तो देखिए, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। आज हमारा ये पार्ट वन चल रहा है, इसके बाद हम फ्रंट के पार्ट बुनेंगे और फिर इसकी बाजू। बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहली सिलाई हमारी सीधी साइड से और दूसरी सिलाई उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए तीसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। पहला फंदा एज स्टिच उतारिए या बनाइए, उसके बाद हमारा डिजाइन बनेगा। एज स्टिच के बाद दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो पांच फंदे जो सीधे हैं, दो फंदे टाइट हों तो लूज कीजिए, आगे से सिलाई डालकर दो फंदों का एक बना दीजिए। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा आप सीधा बुनिए, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ करके दो का एक कर देंगे। यहाँ जाली आ गई और यहाँ दो का एक कर दिया, फंदे हमारे बराबर हो गए। एज स्टिच के बाद ये हमारा सात फंदे का डिजाइन बना, इसी को बार बार रिपीट करते जाइए। एक और ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे टाइट हों तो लूज कर लीजिए, फिर आगे से सिलाई डालकर दो का एक बनाइए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, जो घटाया वो जाली से बढ़ाया। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, पांच फंदे जो सीधे हैं, दो फंदों में आगे से सिलाई डालकर दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे। बस यही सात सात फंदे का डिजाइन है, इसे आप बार बार बनाते जाइए। लास्ट के तीन फंदे हैं, इनको भी आप उल्टा ही बुन दीजिए। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये मात्र चार सिलाइयों का डिजाइन है, चौथी सिलाई उल्टी साइड से आप बुन दीजिए। तो ये देखिए, चार सिलाइयों में हमारा डिजाइन ओवर हो गया है। इन्हीं चार चार सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए, तो इस तरह से बहुत ही शानदार आपका डिजाइन बनता चला जाएगा। अगर डिजाइन को बनाने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, जहाँ से हमने पहली सिलाई को बुनना शुरू किया आप उसी के ऊपर आप फिर से दोबारा बुनना शुरू कर दीजिए, तो आपका डिजाइन रिपीट हो जाएगा। तो डिजाइन हमारा बन गया, अब हमें इसकी लेंथ बनानी है। चौड़ाई मैंने आपको नाप के दिखा दी है, खींचना नहीं है, बिल्कुल ऐसे सीधा बिछा के मैंने आपको दिखाया। 17.5 इंच की इसकी चौड़ाई है इतने फंदों में। अब जो लेंथ है वो स्कीवी की लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। हाइट के अनुसार भी हम ये लेंथ रखते हैं। ये जो चौड़ाई है ये हम अपनी जो हेल्थ है उसके अनुसार, और ये जो लंबाई है ये हाइट के अनुसार, ये हमारा इसमें होता है कि जिसकी जितनी हाइट होती है उस हिसाब से हम रखते हैं। लेकिन ये थोड़ी शॉर्ट होती है, इसलिए मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 16 इंच इसकी लंबाई बनाई है। डिजाइन मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ, चार चार सिलाइयों के डिजाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36 36 डिजाइन मैंने इसमें ये चार चार सिलाइयों के कंप्लीट किए हैं। 18 सिलाइयों का हमारा बॉर्डर है। और अगर मैं आपको इंची टेप से नाप कर दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक पूरी 16 इंच हमारी बनके तैयार हुई है। आप देख लीजिए, ये पूरी 16 इंच इसकी लेंथ है। बाकी अगर ऊन जैसे मोटी पतली होती है उस हिसाब से कम या ज़्यादा डिजाइन हमारे बन सकते हैं, मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। अब 16 इंच बनाने के बाद इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग सीधी या उल्टी किसी भी साइड से आप शुरू कर सकते हैं।
तो ये देखिए, इसमें हमारी यहाँ पर ये 36 डिजाइन कंप्लीट होके और 37वें डिजाइन की पहली सिलाई पर मैं इसकी घटाई शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें डिजाइन को कैसे बनाना, घटाई कैसे करनी है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हम 6 फंदों की घटाई करेंगे क्योंकि ये थोड़ी बारीक ऊन है। देखिए, 2 फंदे का एक करेंगे, फंदे को लूज छोड़ेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे, 2 फंदे हो गए, फिर से ऐसे ही करेंगे, 2 का एक किया 3, इस फंदे को आप लूज रखिए, फिर 2 का एक 4 हो गए, फिर से सिलाई पर लाएंगे थोड़ा लूज रखते हुए, 2 का एक 5 हो गए, इसे सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक करेंगे। ये हमारी 6 फंदों की घटाई हो गई। अब हमें अपने डिजाइन को देखना है। ये वाला फंदा यहाँ पर सीधा दिख रहा है क्योंकि ये वाले 5 में से है, तो हम इसे सीधा ही बुन लेंगे। देखिए, 5 फंदे ये थे और 3 ये थे, 8 फंदे थे ना, 8 में से 6 की घटाई हो गई, तो ये 2 ही बचे हैं। अब आगे हमें अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। जैसे मैंने आपको 4 ये डिजाइन बताया है ये वाला, तो ऐसे ही आप अपने डिजाइन को बनाते जाइएगा। और यहाँ पर हमारे ये 37वें डिजाइन की पहली सिलाई नहीं, तीसरी सिलाई चल रही है। आप अपने हिसाब से लेंथ नाप लीजिएगा क्योंकि तीसरी सिलाई पर ही हमारा ये डिजाइन बनता है ऐसे। तो अब आगे से सिलाई डालकर हम 2 फंदों का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 का एक। ये 37वें डिजाइन की मेरी तीसरी सिलाई पर घटाई हो रही है। आप अपने हिसाब से देखिए, जैसे मैंने डिजाइन बनाना बताया है उसी तरीके से आप अपने डिजाइन को बनाइए और लास्ट तक सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, मेरे ये 37वें डिजाइन की तीसरी सिलाई बनी है। और अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं। आपकी पहली दूसरी जो भी सिलाई हो उसी हिसाब से डिजाइन के अनुसार उसको कंप्लीट कीजिएगा। अब यहाँ से भी हम 6 फंदे की घटाई करेंगे। घटाई करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आप 2 का एक कर लीजिए, फंदे को लूज छोड़िए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कीजिए, 2 फंदे हो गए, फिर से 2 का एक 3, फिर से सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक 4, फिर से इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक करेंगे 5, फिर से ऐसे लाएंगे और 2 का एक करेंगे 6। तो ये 6 फंदों की घटाई हो गई। आगे हमारी पूरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनी जाएगी। आप घटाई सीधी या उल्टी किसी भी साइड से करना शुरू कर सकते हैं, कोई भी इसमें अंतर नहीं आता है। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमने 6-6 फंदे की घटाई कर दी है। अब इसमें हम 4 फंदे की घटाई डालेंगे ताकि शेप अच्छी आए। तो देखिए, 2 का एक करेंगे, फंदे को वही थोड़ा लूज छोड़ देंगे, फिर 2 का एक करेंगे, 2 फंदे घटाई होगी, फिर से सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक 3, फिर से सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक 4। अब देखिए, यहाँ पर ये फंदे हमारे जो दिख रहे हैं ये हम सीधे बुनेंगे क्योंकि ये हमारी जो है 37 डिजाइन कंप्लीट होके 38वें डिजाइन की पहली सिलाई आ गई। तो जिस पर हमारे ये जो फंदे बच गए हमारे सीधे बुने जाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 5 सीधे, ऐसे मेरी सिलाई बनेगी। तो मैं इसको लास्ट तक कंप्लीट कर देती हूँ। फिर हम यहाँ उल्टी साइड से भी 4 फंदों की घटाई डालेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो मैं दोनों साइड की सिलाई को पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी और उल्टी दोनों साइड की घटाई करके मैंने सिलाइयों को बना लिया है। तो 6 और 4 ये हमारी घटाई हो गई। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए, 2 का एक कर देंगे, इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक कर देंगे। आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा आधा डिजाइन बन रहा है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों में बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। तो मेरा आधा डिजाइन यहाँ पे बन गया। अब जो आगे डिजाइन के अनुसार आपका बन रहा है सेम सिलाई को बनाते जाइएगा और यहाँ तक बुन के उल्टी साइड से यहाँ पर भी आप 2 फंदे की घटाई डाल दीजिए, फिर उल्टी साइड की सिलाई को बना दीजिएगा। तो फिर हमारी 6, 4 और 2 की घटाई हो जाएगी। तो मैं ये दोनों सिलाइयाँ पूरी कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 2-2 फंदे की दोनों साइड से घटाई हो गई, यानी 6, 4 और 2 ये हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट घटाई जो डालेंगे वो एक एक फंदे की करेंगे दोनों तरफ से। तो देखिए, 2 का एक करेंगे और डिजाइन के अनुसार हमें सिलाई को बुनना है। तो यहाँ पर देखिए, डिजाइन हमारा एडजस्ट होते टाइम क्या हो रहा है,
ये दो का एक हो गया और ये एक फंदा हमारा सीधा बच गया इस वाले डिजाइन का। अब हम इसको सीधा सीधा यहाँ पर नहीं बुनेंगे, इसको हम उल्टा ही बुन लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर चार फंदे अब उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि ये एडजस्टिच हो गया, एक फंदा बच रहा था उसको भी उल्टा कर लिया और दो हमारे आगे डिजाइन के थे ही, तो चार फंदे यहाँ हमारे उल्टे चलेंगे। आगे हमारा डिजाइन है तो डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनते हुए लास्ट तक हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और फिर इस साइड पर भी हमें दो का एक करना है, यहाँ पर भी हमारे चार फंदे अब उल्टे उल्टे ही बनेंगे घटाई करने के बाद। जैसे हमारे यहाँ चार बचे हैं तो यहाँ पर भी चार उल्टे उल्टे होंगे, तो यहाँ उल्टी साइड से हम दो का एक करके फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई को बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो आर्म होल की कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। 13 फंदे की घटाई यहाँ से हुई है और 13 फंदे की घटाई दूसरी साइड से हुई है, तो 13 13 26 फंदों की इसमें घटाई हो गई है। टोटल फंदे थे हमारे पास 116 में से 26 फंदे दोनों साइड आर्म होल की कटिंग में चले गए। अब हमारे पास इसमें टोटल 90 यानी 90 फंदे बचे हुए हैं। अब इन्हीं 90 फंदों पर अपने डिजाइन को बुनते हुए हमें इसकी शोल्डर तक लेंथ बनानी है, कुछ नहीं करना। चार फंदे इधर उल्टे आ गए हैं, चार फंदे इधर उल्टे आ गए, अब हमें इसकी लेंथ को पूरा करना है। तो मैं इसकी लंबाई को पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको नाप के दिखाती हूँ कि मैंने जो है इसकी आर्म होल की लेंथ कितनी रखी है। तो आप भी इसे कंटिन्यू ऐसे ही आगे आगे बनाते जाइए और लेंथ को पूरा कीजिए। तो एक बार पूरा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। आर्म होल की जो हमें लेंथ देखनी है वो इस तरह से गोलाई में हमारी 9 इंच होनी चाहिए। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, आप इस तरीके से नाप कर देखिएगा, राउंड में ऐसे इंची टेप आप रखिएगा, इसको खींचना नहीं है, पार्ट को बिल्कुल भी नॉर्मल रखिएगा और ऐसे करके, और ये देखिएगा ये राउंड में हमारी 9 इंच हो जाती है, तो ये हमारी बिल्कुल फिट आएगी। और जो इसकी टोटल लेंथ मैंने बनाई है वो 23 इंच हो गई है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वो भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ पर हमारी ये पूरी 23 इंच की लेंथ बनी है, ये देखिएगा ये हमारा 23 इंच बना है यहाँ पर। तो आप अपनी हाइट के अनुसार इसकी लेंथ रखिएगा, जिसकी जितनी हाइट हो, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो आर्म होल है ये राउंड में 9 इंच ही लेडीज़ के लिए फुल बाजू में काफ़ी होती है। अगर हम हाफ बाजू बनाते हैं तो थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा कर लेते हैं और फुल बाजू में हम राउंड में 9 इंच बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फ्रंट पार्ट बनाना बताऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।